माटी भरून पाहिजे पालक वगैरे लावता का लावता आहे पालक देऊन द्या ना मी लावून देतो सध्या फोर्सना नाही टाकायचं पाणी हे कुंड्या इकडे लावून देतो सर हे एवढ्या आता दोन तीन महिने आपल्याला इकडे अंगणाच्या समोर छान वाटतील कुंड्या इष्ट्यान आहेत तुम्हाला इष्ट्यान लावलं तरी तुम्हाला काही अडचण नाही खिडकीपासून तेथपर्यंत नळापर्यंत पाणी द्यायला बी सविस्तर होते ना दिसायला चांगलं लंबेवाले इष्ट्यान आहेत ना आपल्या इथं काढून घेतो काफी अच्छा है बोनसाइज का कलेक्शन है यहाँ पर ये मेरी मॉम ने काफ़ी कलेक्शन किया था पहले तो इसके 10 गुना ज़्यादा प्लांट्स थे बट अभी काफ़ी कम बचे हुए फिर भी काफ़ी है तो ये इसको डेकोरेट करके फिर लगाने वाले हैं स्टैंड वैंड पे डिस्कशन चल रही है और ये मिंट के पहले से ही लगे हुए प्लांट्स बट ये थोड़े से बढ़ा रहे हैं उसकी थोड़ी सी स्टीम तोड़ के उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं रूट्स की ज़रूरत नहीं होती है मिंट के लिए मतलब पुदीना जो होता है वो बहुत ही अच्छा घर का काफ़ी अच्छा टेस्टी भी लगता है और ये लोग उसको थोड़ा सा और एरिया में बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा और लगाना चाहते हैं उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है फांद्याच लागते म्हणे आता पाणी देऊन देतो तुम्हाला या बाजूला थोडं आलं आलं आणतो आलं लावतो इकडे बाबा मेथी लावू म्हटलं होतं ना आपण मेथी आहे का बिया हा पट्टा मेथी कोणती हे अभी डिस्कशन हो रही है कि मेथी और पालक के थोड़े बीज लगा ये पूरा डिस्कशन हो रहा है कि मेथी और पालक भी लगा ली जाए अब इतना सब बड़ा गार्डन है तो यहाँ पे जो जगह है खुली हुई यहाँ पे वो लोग पूरा मेथी और पालक लगाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद तो उसके लिए मेरे पापा की खुद की एग्रो सेंटर थी तो उसके कारण हमारे पास सारे सीड्स वगैरह पहले से ही होते हैं तो उसको डाल के लोग लगाने वाले हैं मम्मी को पहले से ही प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है इसके 10 गुना प्लांट्स हमारे घर पे थे इससे पहले बट अभी थोड़ा सा कम किया है एज के कारण थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह कम किए हैं बट फिर भी काफ़ी है कचरा काट हाँ ये जनाब यहाँ पे एक्सेस जो कचरा निकलता है सूखे पत्ते वगैरह फ्लावर्स वगैरह और जो नीचे भी गिरते हैं या प्लांट्स को लगे हुए हैं वो सारे छांट रहे हैं और काफ़ी सारे हाथ से भी वो छांट रहे हैं यहाँ पर देखो कितना सारा कचरा निकल रहा है गार्डन से तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है बहुत ज़रूरी लॉन कटिंग ये पूरा लॉन कटिंग इन लोगों ने किया है वो मशीन से किया हुआ है मशीन लेकर आए थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस बार बट बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने लॉन कटिंग किया है यहाँ पर और चंद्रपुर शहर के हिसाब से उन लोगों ने खाली
तो ये जो कुछ कटे हुए पत्ते वगैरह जो बचे हुए थे और कुछ फ्लावर्स मिला के मैंने एक प्यारा सा फ्लावर अरेंजमेंट बनाया है यहाँ पे। कुछ साइकस के जो छोटे छोटे पत्ते थे ना ग्रीन वाले, वो बड़े प्यारे लग रहे हैं। इसमें उसकी थोड़ी सी साइड से कटिंग की है मैंने, उसमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स मिला के एक कांच के पॉट में उसका अरेंजमेंट मैंने करा। अब नीचे मैं ये जो विद्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसके पत्ते मैं नीचे लगाने वाली थी, लेयर देने वाली थी इसका, बट जब मैंने लगा के देखा तो फिर मुझे कुछ ग्रेट नहीं लगा, तो मैंने कहा ठीक है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे ही पत्ते पड़े हुए थे तो उसमें यूज़ हो जाते थे, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो इसको मैं अच्छे से लिविंग रूम में जाके अरेंज करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।